हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट। दिस इज रणधीर प्रताप सिंह एंड दिस इज कोमल सिंह सीरा। आपने हमारी लास्ट स्टोरी देखी होगी जिसमें हमने अपना फाइनल गुड बाय कह दिया मुंबई को, और आपको हमने पूरी कहानी बता दी कि अब हम मुंबई को छोड़कर दिल्ली वापस शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब बारी है पैकिंग की। हमने दोस्तों अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को फाइनल किया है, जिनका ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी नाम है। इसमें भी दो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स हैं, एक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स हैं जो APML के नाम से जाने जाते हैं, और एक DRS ग्रुप के हैं जो बड़े भैया के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको सिंपली बताती हूँ, एक है टोपी वाले जो कि APML है, और दूसरे हैं DRS वाले, वो बड़े भैया। तो ये एक ही कंपनी थी, इनके दो भाइयों में कुछ हो गया होगा क्लैश, तो हमने आइदर वे आप मतलब इनके साथ गलत नहीं जाओगे। हमने लोकल पैकर्स एंड मूवर्स क्यों बुक नहीं करे कोमल, हमें ये बताओ। क्योंकि इसमें भी हमारे साथ एक कहानी हो चुकी है। बेसिकली हमारे साथ स्कैम हो गया था कि जब हम बॉम्बे मूव कर रहे थे दिल्ली से, तब हमने लोकल पैकर्स एंड मूवर्स को हायर किया था, तो उन्होंने हमारा सामान ले गए, और हमारा पास तब इतना सामान नहीं था। बेसिकली हमारे पास एक बाइक थी और 7-8 डब्बे थे बड़े बड़े, तो उन्होंने हमारे को 10,000 रुपये की कोटेशन दी थी, और एंड में मैंने को 25,000 रुपये भरने पड़े थे, क्योंकि वो हमारा सामान ही नहीं दे रहे थे कि हम सामान ही देंगे जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करोगे। और पूरी पेमेंट उन्होंने हमें बताई नहीं थी, उन्होंने हमें 10,000 का कोटेशन दिया था, और फाइनल जो बिल था उन्होंने 10,000 रुपये बनाया था, लेकिन उन्होंने हमसे 25,000 एंड में ले ही लिए फाइनली। वो आपका सामान जब वो हमारा सामान ले गए थे, हमारे घर से रिसीव कर लिया था, उसके 4 दिन बाद उन्होंने हमारे को एक पूरा नया बिल बना के भेजा था। सो इट वॉज अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन। उस टाइम पर मैं उस चीज़ को याद भी करता तो मेरे को एंग्जाइटी होने लगती है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि आप उस टाइम पर कुछ कर नहीं सकते, आपके पास आपका सामान ही नहीं होता। तो इसलिए हमने अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स को इस बार फाइनलाइज करा। होपफुली हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा हो, और कैसा रहेगा और कैसी सारी पैकिंग रही और क्या इनमें परेशानी आई क्या नहीं आई, वो हम आपको दिल्ली पहुंचने पे जब हमें हमारा सामान मिल जाएगा तभी बता पाएंगे। यस मतलब वो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली तभी बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारा अच्छा रहा है, क्योंकि इनका एक पहले एक अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स का एक एग्जीक्यूटिव हमारे घर पर आए थे, उन्होंने हमारे घर को पूरा चेक करा और उसकी एक हमारे को कोटेशन देकर गए, और हमारा बिल उसी के आसपास ही बना है, और उन्होंने बोला है कि वो पहले पैसे लेते हैं, पूरी पेमेंट पहले लेते हैं सामान लेके जाने से पहले, विच इज़ स्ट्रेंज। बट मैं कहा ठीक है, अगर पहले पैसे ले रहे हैं तो लेट्स सी अब, क्योंकि ये ना ये वाला जो है ना ये पैकेज एंड मूवर्स वाली डिपार्टमेंट ना बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड से भरी हुई है, तो ना इधर बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा किसके साथ फाइनलाइज करूं। मुझे ना इस बात से एक बात याद आती है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मम्मी पापा और बोलते हैं ना कि शादी तो जी एक जुआ होता है ना, शादी तो जी एक जुआ होता है, ये भी एक जुआ होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब होपफुली हम अच्छा जुआ खेल रहे हैं इस बार, क्योंकि अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की कोटेशन बाकियों से ज़्यादा होती है, तो हमने अब उनको कर दिया है फाइनल। हम थे बड़े एक्साइटेड कि यार सारी पैकिंग तो हम करेंगे। उन्होंने आगे बोला सर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस बैठना, सारी पैकिंग भी हम करेंगे। लेकिन हम बीइंग हम, हमने थोड़ी बहुत पैकिंग हम भी करनी स्टार्ट कर दी है, जिसमें से कि हम आपको दिखा देते कि हमने क्या क्या कर दिया। ये देखो दोस्तों हमारे बक्से पड़े हैं, यहाँ पे हमारा पूरा कैमरा गेयर हुआ करता था, लाइट सेटअप हुआ करता था, जो कि हमने अभी पैक करके अपनी तरफ से, जो हमारी तरफ मतलब जो हमारा इंपॉर्टेंट सामान है जो हमें लग रहा है कि शायद वो अच्छे से ना करें या शायद उनको इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, इसलिए हमने अपने हिसाब से कर दिया उसको। बेसिकली कीमती सामान तो थोड़ी बहुत पैकिंग हमने अपनी करी है, बेसिकली हमारे अपने खुद के गेयर की, क्योंकि हमारे से रहा नहीं जा रहा था कि यार कोई और हमारा कैमरा गेयर किया ऐसी ना फेरे, तो इसीलिए हमने थोड़ी बहुत तो करी दी है, बाकी तो पूरा मकान वो लेके जाएंगे। आपको दिखा देते हैं हमने क्या क्या करा है और क्या क्या बाकी है अभी, ठीक है। अभी गिर जाता है गाइस, अब हमारे को एक ही साबुन से नहाना पड़ेगा 3-4 दिन, तीन दिन तक, क्योंकि मैं तो नहा लेता हूँ, प्रॉब्लम इसको होती है दोस्तों। क्यों भाई? 6 टाइम में तो फेस वॉश यूज करती है, तभी दोस्तों इसके मुंह पे इतने दाने हैं, जो ज्यादा ड्रामे करते हैं ना दोस्तों उसी का मुंह पे तभी ज्यादा दाने होते हैं। मेरे को देखो, हम लड़के लोगों को, लड़के लोगों की स्किन लड़के से ज्यादा साफ क्यों होती है, क्योंकि हम लोग उसी तौलिया से अपना शरीर बोल लेते हैं जिससे हम अपनी गाड़ी साफ करते हैं, इसलिए हमारी स्किन साफ होती है। लड़के इतना सब कुछ करती फिर भी इसके मुंह पे दाने देखना दोस्त। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ बोल रहा है ये। मैं कोई 6 फेस वॉश यूज नहीं करती। ये पता क्या हुआ था मेरे को, यहाँ पे उल्ली लग गई थी लास्ट टाइम जब हम आए नहीं थे 3-4 महीने पहले, तब उल्ली से मैंने कपड़े पहने उसमें उल्ली लगी थी, उल्ली होती है कुछ मॉइस्चर से जो यहाँ पे क्रिएट होता था, मुझे नहीं पता था तब, ठीक है। दोस्तों पोजीशन इसलिए चेंज हुई है क्योंकि इसने मेरे आगे थप्पड़ मार दिया था कि तेरे को दिख नहीं रहा कि ये इसी लड़के ने मेरे थप्पड़ मार दिया था कि तेरे को दिख नहीं रहा कि आवाज पीक हो रही है। यही रीजन है मेरे दाने होने का, ये गंदे पानी के हाथ लगा देता ना, मेरे गंदे हाथ लगा देता ना ये पानी करके।
अब मैं नहीं सुना रही अपनी उल्ली वाली कहानी। नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई जाती है। गाइस व्हाट अरे मैं बहुत नीचे चला गया। और उसने आके मेरी जगह भी ले ली दोस्तों, मैं उधर खड़ी थी। गाइस व्हाट हैपेंड वाज कि हम बॉम्बे जब बहुत टाइम बाद आए थे लद्दाख से आने के, लद्दाख से आने के बाद नहीं पांगी वैली से आने के 4 महीने पहले आए थे दोस्तों, 6 महीने पहले सॉरी। हां 6 महीने से तो मुंह नहीं साफ हुआ। तो हमारा घर काफी टाइम से बंद था, मानसून का सीजन था, तो इसने फंगस लगी हुई, फंगस तो नहीं बोलेंगे, जो इसका बनाया हुआ शब्द है उली, वो वाली इसने टी शर्ट पहन ली थी तो इसके मुंह पे उली निकल गई है। यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हुई थी वो होते होते फिर सारी यहाँ पे कवर होगी। उली वाली कहानी मैंने आपको पहले कभी भी नहीं सुनाई है, कहता कितनी बार सुनाएगी। देखो दोस्तों मैंने कितनी बार उली वाली टी शर्ट पहनी, कभी भी उली नहीं आई मेरे मुँह, खुद ही एक उली है क्योंकि मेरे पास उली अल्ट्रा प्रो है। इतनी बड़ी उली अल्ट्रा प्रो मैं अपने साथ लेके घूम रहा था। ये रहा हमारा सारा सामान वॉशरूम का, हमने ये भी उतार दिया है, यहाँ पे हमें जो अभी चाहिए वो रख लिया है, बाकी हमारा सारा वॉशरूम खाली हो चुका है। गाइस हमने अपना किचन कर लिया, हमने अपना किचन नहीं बाथरूम, सॉरी बाथरूम मैं बार बार किचन बोल रहा हूँ, और हमने अपना ये रूम भी खाली कर दिया है, अब बहुत एम्प्टी सा लग रहा है। अभी तो सारा सामान जो हमने उतारा हमारे पास ही है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा एम्प्टी लग रहा है। कोमल ने बहुत सारा काम किया दोस्तों आज, मेरे से इसने 2-3 स्क्रू वो करवाए थे और उतने में इसने बहुत तेज हंसाया और मेरे स्किल का मजाक भी उड़ाया इसने। यार को मैं चाय पीते हैं, मन कर रहा है ना। पैकर्स एंड मूवर्स ने दोस्तों कहा था कि ना वो भरा हुआ सिलेंडर नहीं लेके जाते, लेकिन ये हमारा सिलेंडर 5 दिन पहले ही खत्म हो गया। 5 दिन ही ज्यादा दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 8-10 दिन पहले हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। और हमने साइड हमारे अपने पड़ोसी से सिलेंडर मांगने गए थे तो वो बोलते हैं हमारे पास इंडक्शन है, आप इंडक्शन ले लो। मैं कहा और भी बढ़िया बात है। फिर हमारे को इंडक्शन मिल गया और हम इंडक्शन पे अपना खाना बना रहे हैं, तो आओ चाय पीते हैं दोस्तों क्योंकि चाय की जरूरत है। इसके बाद मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम को मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा क्योंकि सिस्टम मैं पैकर्स एंड मूवर्स के साथ नहीं भेजना चाहता, क्योंकि मैंने जितने भी रिव्यूज पढ़े उसमें मॉनिटर वगैरह के रिगार्डिंग कभी भी अच्छी न्यूज़ नहीं आती, तो इसलिए फिर मैं मॉनिटर तो नहीं लेके जाना चाहूंगा। और ऊपर से बेसिकली जो हमारी सारी डेलिकेट चीजें थी उनको हमने अच्छे से बबल रैप करके मोटे मोटे बॉक्सेस में रख दिया है। ये जो इधर बहुत एक बड़ा सा डब्बा पड़ा है यहाँ इस इन सब सामान के नीचे, उसमें हमारा कैंपिंग एयर है, वो हमारा सेफली चला जाएगा, उसमें इतना ज्यादा हमें नहीं लगता कोई ज्यादा पंगा पड़ेगा, बाकी एसी फ्रिज वगैरह सब वही करेंगे। पैकर्स एंड मूवर्स वाले हमें बोल के गए थे कि आप दीवारों में से जो भी सामान है ना वो उतार लेना, जैसे लाइट्स हो गई और एसी हो गया, वाटर प्यूरिफायर हो गया, ऐसी और स्लैब्स वगैरह होगी तो ये उतार देना आप, ठीक है। तो हम इसीलिए ये सब कर रहे थे क्योंकि जैसे कोमल कह रही है कि हम सारा कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, तो वो एक्चुअली नहीं उतारेंगे, अगर वो आएंगे तो फिर वो ऐंठ जाएंगे कि भैया हम नहीं उतार रहे आपको पहले बोला था। हाँ। तो इसीलिए हम अपनी तैयारी करके रख रहे ताकि जिस दिन हमारा मूविंग डे है उस दिन सब कुछ फ्लॉलेस रहे और जल्दी जल्दी होके सब कुछ रफा दफा हो जाए ताकि हम अगले दिन निकल सके, क्योंकि हमारे अगले दिन की ट्रेन बुक है। वो छुटका टेबल है वो भी फोल्डेबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि ना सब कुछ हैफेजर्ड हो रहा है ना दोस्तों, इसलिए ना मैं 10 दिन पहले फाइनल कर दिया था हमने कि अब हम मूव करेंगे, है ना, कि इस डेट को हम मूव करेंगे, और तब से ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें हम, अब क्या करें, क्योंकि सामान भी सारा बांध नहीं सकते क्योंकि हमें यूज करना है, रोज डेली में यूज होएगा, ठीक है, और उसके बाद वो डेट भी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि यार कब आएंगे, कब मूव करेंगे, हम थक गए हैं, मतलब दिमाग से थक गए हम। मैं तो दोस्तों कंफ्यूज हो गया हूं बेसिकली कि अब क्या करूं, कि मतलब अब क्या करूं, मोस्टली मतलब दिख रहा है कि हाँ ये सारा काम उनके साथ भी हो सकता है, बट हाँ मैं अपनी तरफ से प्रेप करके चल रहा हूँ। चला चाय बनाते हैं, हम वेल हैं इसलिए हम कुछ कर लेते हैं, अब चाय बना लेती हूँ मैं। राइडी राइडी एकदम पीना होता पर हमारी गर्म है एकदम पीना है। मैं तो ज्यादा गर्म पी नहीं पाती इसलिए मैं रख देती हूँ। तो गाइस बात ऐसी है कि हमारे साथ जाएगा एक तो कंप्यूटर सीपीयू, आपको बताया कि हम उसको एक डब्बे में रैप करके ले जाएंगे। कंप्यूटर बोल सकती है, सीपीयू लगाना जरूरी नहीं है। कंप्यूटर सीपीयू नहीं, मुझे कहना स्क्रीन और सीपीयू, बट ठीक है कंप्यूटर लेके जाना है। और उसके बाद हमें एक बैग होगा जिसमें हमारा लैपटॉप और कैमरा गियर आएगा, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा बैग होगा जिसमें हम अपने कपड़े जो हमें जाकर चाहिए होंगे, जो कि जब तक हमारा ट्रक नहीं आएगा तब तक हमारे पास कुछ होएगा नहीं, तो ऐसा कुछ सामान जो हमें जरूरी चाहिए होगा, मोस्टली सारा सामान वही लोग लेके जाएंगे। अब बस अब हम चिल करेंगे, शाम को एक स्कूटी राइड पे जा सकते हैं, यू नेवर नो, वी ऑल्सो डोंट नो। मेन बात है दोस्तों हम कुछ प्लान कर रहे हैं जो हमने आपको अभी नहीं बताया, अभी बताएंगे भी। अभी नहीं बताएंगे दोस्तों, अभी एकदम से सारे वो थोड़ी ना खोल देंगे अपने पत्ते। एक पत्ता तो खुल गया कि हम जा रहे हैं दिल्ली, दूसरा पत्ता ये खुल गया कि अब काम करेंगे यूट्यूब पे, तीसरा पत्ता ये
अभी नहीं बताएंगे दोस्तों, घर पहुंच के आपको रिवील करेंगे कि हम कहाँ रोड ट्रिप कर रहे हैं। गाइस हम अपनी स्कूटी राइड पे आ गए और मैंने हेलमेट उतारा है अभी रिसेंटली व्लॉग करने के लिए। और हमने सही डिसाइड किया था कि हम लोग स्कूटी राइड पे आ जाएंगे, तो फिर हम आ गए। हमने सोचा कि मुंबई जाने से पहले एक बार तो फिर बनता है ना वापस से। गाइस वैसे तो हम लोग ऐसे गेड़ी रूट के लिए हम रोज ही बाहर आते हैं, और हमने बाहर आते आते ये बैक रोड फाइंड कर ली जो कि ऑर्बिट मॉल के पीछे है। ऑर्बिट नहीं, इन ऑर्बिट। अच्छा, इन ऑर्बिट मॉल के इन ऑर्बिट मॉल हाइपर सिटी के पीछे जहाँ पर सारे ऑफिसेज वगैरह हैं, उसके पीछे एक खाली सुनसान रोड है जिसको बैक रोड बोलते हैं। ये वहाँ पर है, कैमरा भी लेके जा सकता है हमारा ऐसे। तो हमने ना वो बैक रोड फाइंड करी, और उसके साथ साथ हमें पता क्या मिला, उसके साथ साथ हमें एक छोले कुलचे वाला भी मिला जो यहाँ पे रेडी लगाता है, और बहुत टेस्टी छोले कुलचे मिलते हैं। दोस्तों हम जब लास्ट में जा रहे हैं ना हमें तब ये सब चीज़ें मिल रही हैं। इतने टाइम से यहाँ पे रहते थे ना, छोले कुलचे मिलते थे ना, कुछ मिलता था, भटूरे अब मिले हैं हमारे को जाके। सायन में खाए थे हमने भटूरे, नहीं कुलचे वाला, सॉरी अब मिला है, भटूरे वाला तो हमने ढूंढ लिया था सायन में, पर हम हमारी जाने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे। पूछो क्यों, क्योंकि सायन बहुत दूर है भाई, बहुत दूर। वो पूरा वीरजियो का इलाका है। एक मिनट, मेरा हाथ दर्द हो गया। हमारी पैकिंग हो चुकी है, हमारा मोटा मोटा जितना काम था हमने कर दिया। अब जो बहुत मोटा काम है वो उनका है जो आकर करेंगे पैकर्स एंड मूवर्स वाले। तो हम अब थोड़ा घूमेंगे, दो दिन और है हमारे पास बीच में, जो सिर्फ हम अपने लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी कहानी थी दोस्तों मुंबई की, हमने अपने हिसाब से लिखनी चाही और लिखी भी है एक तरीके से, क्योंकि ये डिसीजन भी हमारा ही है, आने का भी डिसीजन हमारा था, जाने का भी डिसीजन हमारा है। तो ये कहानी हम अपने तरीके से लिखना चाहते हैं, तो ये दो दिन हम अपने लिए रखना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हम थोड़ा चिल करेंगे। आपको अपनी राइड पर लेकर आए अपने साथ हम, अब जाके हम कुछ खाएंगे। और हम क्या देख रहे हैं आजकल, द ऑफिस, US वाला द ऑफिस, और बहुत ज़बरदस्त शो लग रहा है हमें। हम मतलब लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हम कब ये शो दोबारा देखेंगे। चल अपना फटाफट काम कर लेते हैं ताकि हम जाके फिर ये शो देख पाए। दोस्तों खतरनाक बिंज वॉच चल रहा, खतरनाक डेंजर, मतलब सुबह उठते नींद में नहीं है, दूध बनाया, चल ऑफिस चला। दोस्तों टू टाइम्स मेरा हाथ दर्द हो गया। डोगो, ये रहा वो डोगो, ये हमें उस साइड पे भी दिखा था, बेचारा डरा हुआ है। हम प्रॉमिसेस करते हैं ना, नाउ इट्स द टाइम टू फुलफिल देम, क्योंकि हमने अपनी सारी एक्स्ट्रा नाव जो थी ना वो हटा दी है। एक्स्ट्रा नाव जो थी हमारे को टाइम लगा हटाने में, एंड फाइनली हम उसे हटा चुके हैं, और अब हम फोकस कर पाएंगे इस चीज़ पर। वी हैव समथिंग ग्रेट फॉर यू इन स्टोर, एक्चुअली वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स इन स्टोर फॉर यू, लेकिन उसको अभी टाइम है। अभी फिलहाल हम मुंबई को एंजॉय कर रहे हैं, और इस व्लॉग को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। रणधीर, तेरे को और कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना है अंदर भरा हुआ, पर धीरे धीरे आई विल टेल यू। अभी बहुत व्लॉग आएंगे, कोई नहीं। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों? दोस्तों मेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं ना, हवा से थोड़े उड़ गए हैं लेकिन ठीक लग रहे हैं। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ, दिल्ली।